व्यक्ति नदी में डूब रहा था। डूबते समय वो भगवान को याद कर रहा था। भगवान उसके मन में आए भी और उसे कहा, मेरा भरोसा करो। बस वो आदमी पानी में स्थिर हो गया। हालांकि हर सेकंड उसके सर पर पानी कई लेवल बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो चुपचाप पड़ा रहा। कुछ देर बाद उसे थोड़ी दूर पर एक नाव दिखाई दी। वो चाहता तो तैर कर उस नाव तक पहुंच सकता था, लेकिन वो तो भगवान के भरोसे बैठा था। समय बीतता रहा और पानी का लेवल बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति तैरता हुआ उसके बगल से गुजरा। उसने उस डूबते हुए व्यक्ति के लिए हाथ भी बढ़ाया, लेकिन उस व्यक्ति को तो भगवान के हाथों का इंतजार था। थोड़ी देर बाद वही हुआ जो होना था। वो व्यक्ति डूब गया और उसकी मौत हो गई। मरने के बाद जब वो भगवान के सामने पहुंचा, तो उसने गुस्से में भगवान से कहा कि आपने तो मुझे भरोसा दिया था, फिर मेरी मदद क्यों नहीं की? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने कहा था मेरा भरोसा करो। उसके बाद मैंने तुम्हें दो मौके भी दिए जब थोड़ी सी मेहनत से तुम बच सकते थे, लेकिन तुम मेरे भरोसे बैठ गए और ये सोचने लगे कि मैं खुद आकर तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ, रास्ता तो तुम्हें खुद ही तय करना है। मेरा भरोसा करो, लेकिन मेरे भरोसे बैठे मत रहो। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है, क्या IPS IAS बनना किस्मत का खेल है? अक्सर आपने लोगों को कामयाबी ना मिलने पर कई तरह की शिकायतें करते हुए देखा होगा, जिसमें ज्यादातर लोग संसाधनों की कमी को खुद के कामयाब ना होने की वजह बताते हैं। उनका मानना होता है कि अगर उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती तो वो जीवन में कुछ बेहतर कर सकते थे। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किस्मत को दोष देने की बजाय उसे बदलने के लिए मेहनत करते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक उसे बदल ना दें। मेहनत का रुतबा इतना अधिक होता है और भाग्य को झक मार कर उसके पीछे आना ही पड़ता है। यदि आपको यकीन ना हो तो एर्णाकुलम की श्रीनाथ की कहानी जान लीजिए। 2018 में IAS के लिए चयनित सफल कैंडिडेट में से एक नाम श्रीनाथ का भी था। श्रीनाथ बेहद गरीब परिवार से आते थे, जिनके ऊपर परिवार को पालने पोषण की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके पास अवसर ही इतनी कमी थी कि एर्णाकुलम रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे। श्रीनाथ के पास संसाधन और अवसर की कमी जरूर थी, लेकिन उनके हौसले किसी चट्टान से कम नहीं थे। कूली का काम करते हुए उन्होंने UPSC की तैयारी की, और ना सिर्फ तैयारी की बल्कि टॉप रैंक भी हासिल किया। वो किस्मत को कोसने नहीं बैठे, बल्कि जो कुछ उनके पास अवेलेबल था उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखा। रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली फ्री वाईफाई सुविधा का इस्तेमाल उन्होंने गाने सुनने या फिल्मों देखने के लिए नहीं किया, बल्कि वो उस रिसोर्स से अपनी तैयारी करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मेहनत कितनी रंग लाएगी, लेकिन उन्हें ये पता था कि बैठे रहने से तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। यदि हालात को बदलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। किस्मत का क्या है, कभी भी पलट जाएगी। और देखिए, उनकी सफलता की गूंज इतनी जोरदार थी कि देश के तत्कालीन रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने खुद उनकी सफलता को दुनिया के साथ साझा किया। और सनातन धर्म तो ये मानता भी है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर हम कर्म करते रहे तो उसका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता है। अंत में जाते जाते ये पंक्तियां जरूर याद रखिए। कौन कहता है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत तय करती है? अगर दम हो इरादे में तो मंजिलें खुद ब खुद झुका करती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।